Hello everyone, in this video I am going to discuss one question from AKTU 2016-17 paper. In this question, write instruction to generate 1 kHz square wave from counter 1 of 8254. Means ki hame kaun sa IC dekhna hai, 8254. Assume the gate of counter 1 of 8254 is tied to +5 V through 10 kilo resistor, and port address for counter 1 and control word register is 81H and 83H respectively. Means ki counter 1 ka jo address hai that is 81 and control word register ka jo address hai that is 83H. Theek hai? Now explain the significance of the connecting the gate to +5 V. Theek hai? Toh sabse pehle hum iska significance dekhte hai ki what is the significance. Pehle hum is question ko karte hai. Toh gate basically work as a trigger for counter. अगर गेट की वैल्यू हाई होगी, इनेबल होगा, तो काउंटर डाउन काउंटिंग करेगा. ठीक है, मींस कि अगर हमें काउंटर को टर्न ऑन करना है तो गेट शुड बी कनेक्टेड विद द हाई वोल्टेज. दैट्स व्हाई गेट इज कनेक्टेड विद +5 V. तो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस. ठीक, नाउ अब हम प्रोग्रामिंग पार्ट देखते हैं. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यहाँ पर हमें क्या करना है, स्क्वायर वेव जनरेट करनी है, काउंटर वन सेलेक्ट करना है. तो सबसे पहले हमें इसके लिखना होगा कंट्रोल वर्ड. ठीक है, नाउ कंट्रोल रजिस्टर इज अ 8-bit रजिस्टर, तो हम इसकी सारी बिट्स को मेंशन करते हैं. नाउ हम लिखते हैं कि अगर हमें ये सारी चीज़ें चाहिए जो क्वेश्चन में पूछा है, तो व्हाट इज़ द कंटेंट ऑफ कंट्रोल वर्ड रजिस्टर, तभी वो ऑपरेशन करेगा. नाउ जो ये हमारे बिट है D7, दिस इज कॉल्ड DSC7SC0. दिस इज यूज टू सेलेक्ट द काउंटर. ठीक है, ये 2 bits हैं. अगर ये 00 होगी इट विल सेलेक्ट काउंटर 0. इफ दिस इज 01 इट विल सेलेक्ट काउंटर 1 10, काउंटर 2 एंड 11, तो कंट्रोल वर्ड सेलेक्ट होगा. इन दिस क्वेश्चन काउंटर हमारा क्या यूज हो रहा है, काउंटर 1. मीन्स की वट इज द वैल्यू ऑफ दिस काउंटर 01. ये हमारी बिट नंबर 7 है, बिट नंबर 6 है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 01. ठीक, नाउ अब हमें क्या सेलेक्ट करना है, यहाँ पर ये RW1 एंड RW0. दिस इज यूज टू राइट द काउंट, कि काउंट क्या होगा जिसके अकॉर्डिंगली हमारा स्क्वायर वेव जनरेट होगी. तो ये डिपेंड करेगी जब हम कैलकुलेशन करेंगे, तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगी. नाउ अब विच वेव फॉर्म इज जनरेटेड बाई दिस, वेव फॉर्म इज स्क्वायर वेव. वेव फॉर्म इज स्क्वायर वेव, तो इसकी जो बिट्स होती हैं M2, M1 एंड M0 डिसाइड विच मोड इज सेलेक्टेड. इन केस ऑफ 8254 मोड 3 इज यूज फॉर स्क्वायर वेव फॉर्म जनरेशन. मोड 3 है मीन्स वट इज द वैल्यू, मोड 3 मीन्स की 0 1 1. डेसिमल में जो 3 होता है उसको आप बाइनरी में लिख दोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 0 1 1. ठीक, नाउ कहीं भी मेंशन नहीं है कि दिस काउंटर इज बाइनरी काउंटर और बीसीडी काउंटर, हम इसको बाइनरी काउंटर ले लेते हैं. और ये हमारी बिट होती है, ये डिसाइड करती है कि और काउंटर इज बीसीडी और बाइनरी. तो अगर हमें बाइनरी लेना है तो इट्स वैल्यू शुड बी 0, बीसीडी लेना है तो इट्स वैल्यू विल बी 1. ठीक है, ये हो गया. नाउ अब हम देखते हैं कि वॉट इज द वैल्यू ऑफ RW1 एंड RW0. बेसिकली वैल्यू ऑफ दिस डिपेंड ऑन द काउंट. इफ काउंट इज 16 bit तो हमें ये 16 bit का यूज करना होगा. अगर हमारी 8 bit की है, लोड काउंट वैल्यू इन MSB साइड और LSB साइड. ठीक है, तो अब हम पहले काउंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. नाउ हाउ वी कैन कैलकुलेट द काउंट, चलो चेक करते हैं. नाउ सिंपल फॉर्मूला फॉर काउंट, काउंट इज इक्वल टू सिस्टम फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई वेव फॉर्म फ्रीक्वेंसी. ठीक है, नाउ इन दिस क्वेश्चन कहीं पर भी सिस्टम फ्रीक्वेंसी नहीं दी है, तो आइदर यू टेक 1 MHz और 2 MHz, अप टू यू. तो हम ले लेते हैं 2 MHz. अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो आप वही लोगे जो क्वेश्चन में मेंशन है. इफ कुछ भी मेंशन नहीं है तो मैंने 2 MHz ले लिया, 2 MHz. व्हाट इज द वेव फॉर्म फ्रीक्वेंसी, दैट इज 1 kHz, तो ये लिया 1 kHz. नाउ अगर अब हम इसको सॉल्व करें तो ये क्या होगा, 2000 kHz डिवाइडेड बाई 1. ठीक है, मीन्स की वॉट इज द काउंट वैल्यू, 2000. ये जो 2000 वैल्यू आई, ये हमारी वैल्यू आई इन डेसिमल, बट हम जब काउंट लोड करेंगे वो हम करेंगे हेक्स में. तो आप 2000 को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लो तो आपको वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू
7D0H इन हेक्साडेसिमल। नाउ अब आप यहां पर देखो काउंट में हमारे 4 डिजिट्स हैं, मींस कि हमें 16 बिट्स को लोड करना है। ठीक, तो RW1 और RW0 की वैल्यू क्या होगी, 11 रीड और राइट LSB लोअर साइड लो नहीं 11 मींस रीड और राइट, जो भी आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है, रीड करना है या राइट करना है, फर्स्ट लोअर बाइट देन अपर बाइट। ठीक है, तो नाउ दिस इज द कंटेंट ऑफ कंट्रोल रजिस्टर। अगर हेक्साडेसिमल में इसकी वैल्यू देखें तो क्या हो गई 7, और दिस साइड 0110 से क्या हो गई 76H। तो दिस इज द कंटेंट ऑफ कंट्रोल वर्ड रजिस्टर। ठीक, नाउ अब हमें इसे किसे बताना है, प्रोसेसर को, ताकि वो ये ऑपरेशन परफॉर्म करे। ठीक है, नाउ व्हाट इज द एड्रेस ऑफ कंट्रोल वर्ड रजिस्टर 83, एंड व्हाट इज द एड्रेस ऑफ काउंटर, काउंटर का एड्रेस है 81। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये क्या लिखेंगे, ये वैल्यू को लोड करेंगे कंट्रोल वर्ड में, सो दैट कि 825 वो परफॉर्म करे अकॉर्डिंग टू दिस। जब ये परफॉर्म करेगा देन हम इसमें वैल्यू को काउंट को लोड करेंगे। नाउ अब हम प्रोग्राम लिखते हैं, तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या होगी, हमें ये कंट्रोल वर्ड में चाहिए। ठीक है, कंट्रोल रजिस्टर में, तो सबसे पहले हम ये वैल्यू को लोड करेंगे इन एक्यूमुलेटर MVIA76H। ठीक है, नाउ व्हाट इज द एड्रेस ऑफ कंट्रोल वर्ड रजिस्टर 83, तो अब हम इसे 83 पर मूव कराएंगे। दिस इज द पोर्ट एड्रेस, तो हम लिखेंगे आउट 83H, डन। नाउ ये हो गया, अब हमें काउंट वैल्यू लोड करनी है, तो पहले हम लोअर बाइट को करेंगे देन अपर बाइट को करेंगे। तो हम पहले लोअर बाइट को लोड करते हैं, हमने लिखा MVIA D0H, लोअर बाइट लोड हो गई। अब उसे हमें डिस्प्ले कहाँ कराना है, काउंटर वन में लोड करना है। तो व्हाट इज द एड्रेस ऑफ काउंटर वन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 81, तो हम लिखेंगे आउट 81H। ठीक है, तो ये काउंटर के लोअर पोर्शन में लोड हो जाएगी। नाउ अब हमें चाहिए हायर बाइट लोड करनी है, तो नाउ लिखेंगे MVIA07H। नाउ काउंटर वन ही हमारा डेस्टिनेशन है, तो हम लिखेंगे आउट 81H। ठीक है, नाउ अब हमारा प्रोग्रामिंग हो गई, तो अब हमें क्या करना है, इसको स्टॉप करना है, तो हम क्या लिखेंगे HLT या HLT means halt, stop the program। तो this is the instruction। ठीक है, ये हमारी count value, significance मैंने बता दिया, तो आपको ये सारी चीजें करके दिखानी है। Thank you so much।